मैंने ये कैप्टन लेफ्टिनेंट अरसलान की जब मैंने तस्वीर देखी तो मैं अपनी फैमिली के साथ बात कर रहा था, तो सब हम बड़े दुखी हो गए और आज तमाम दिन बोझल रहा। और अभी जब आप इंट्रो दे रहे थे तो मैं सोच रहा था कि काश कि हम सिर्फ आज लेफ्टिनेंट अरसलान पे बात करते और उन तमाम अपने जवानों पे जो कि बॉर्डर्स पर खड़े हो रहे हैं और वहाँ पे हमारा दफा कर रहे हैं और सीनों पे गोलियाँ खा रहे हैं। और आप देखें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो सिविलियंस जो हैं वो भी बड़ी इंडियन बमबारी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जो लेफ्टिनेंट अरसलान की जो का चेहरा जो है ना, वो चेहरा देख के आपने बड़ी बड़ा सही डिस्क्राइब किया है कि इंसान को फौरन अपने बच्चे, अपने छोटे भाई सारे याद आ जाते हैं कि यार ये ऐसा ही है कि ये हमारे घर से कोई बच्चा चला गया। और उसकी 3 बहनें भी हैं। तो मैं आज सोच रहा था कि ये पता मैं करता रहा कि ये कहाँ का रहने वाला था, इसका जनाजा कहाँ पे होगा, क्योंकि ये इतना 22 साल का। और आप सोचें कि हमारे 21 21 22 22 साल के नौजवान जो हैं, जो यूनिवर्सिटी जिनकी जाने की उम्र है, जिनके हंसने खेलने के दिन हैं, तो वो पहाड़ों की चोटियों पर बैठ के अपने वतन की सरहदों का दफा कर और रहे हैं। दूसरा जो दूसरे लोग इस मुल्क के साथ कर रहे उनको हैं। उनको रहने दें, उनको कंपेयर ना करें। मैं तो आज सल्यूट करूंगा।